गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IYS एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट का कैसे ख्याल रखना है, ये सब आपकी स्ट्रैटेजी में पहले से डिसाइड होना चाहिए। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये एग्ज़ाम UP SSSC द्वारा कराया जा रहा है और इसमें एक ही पेपर होना है जो कि चार सब्जेक्ट्स में डिवाइड होगा। पहला सामान्य हिंदी, दूसरा गणित, तीसरा सामान्य ज्ञान और चौथा ग्राम समाज एवं विकास। चारों ही एग्ज़ाम 25-25 मार्क्स के डिसाइड किए गए हैं और इसके लिए टाइमिंग जो है वो 2 घंटा है। तो इस एग्ज़ाम में मुझे लगता है टाइमिंग जो है वो बहुत परफेक्ट है। इतनी टाइमिंग है कि आप आराम से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट की आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात है हिंदी, सामान्य ज्ञान और ग्राम विकास की, तो ये तीनों ही जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं। अगर आप चाहें तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो पैट का एग्ज़ाम देके आए हैं वो लोग हिंदी पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो वो आराम से 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इन तीनों ही सब्जेक्ट को अगर आप 15-15 मिनट में फिनिश कर देते हैं तो आपके 45 मिनट लगेंगे सिर्फ। इसके बाद आपके पास इतना टाइम बचता है कि आप मैथ के 25 क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप मैथ में थोड़े वीक भी हैं और कैलकुलेशन में स्लो हैं तो आप आराम से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको टाइम की कोई कमी नहीं होगी। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस एग्ज़ाम में 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना होगा क्योंकि 1/4 निगेटिव मार्किंग है। आगे हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस UP SSSC ने अपना पहले से ही डिफ़ाइन कर दिया है। हिंदी का सिलेबस को हमारे में हम बात करते हैं तो हिंदी में समास, पर्यायवाची, ब्लोम, तत्सम, तद्भव, संधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में आने वाले हैं और ये बहुत ही इजी टॉपिक हैं। इन सबको आपने जब पैट का एग्ज़ाम दिया था उसमें भी पढ़ा होगा। तो जहाँ तक मैं मानती हूँ, जो लोग सीरियस हैं और लेखपाल को लेके अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन सब टॉपिक को पहले से ही कवर कर चुके होंगे, उन्हें सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो हिंदी पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी हिंदी पहले से पढ़ चुके हैं उसी को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आपका हिंदी आसानी से कवर हो जाएगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, आप आराम से किसी भी सोर्स से हिंदी इजीली कवर कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं मानती हूँ कि हिंदी में आपको एटलीस्ट 23-24 मार्क्स स्कोर करने चाहिए अगर आपको लेखपाल में अपना सिलेक्शन लाना है, और आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि हिंदी इतनी टफ नहीं होती और जो बच्चे सीरियस हैं वो आसानी से 23-24 स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उनका मैथ अच्छा ही होगा, इतना बुरा मैथ किसी का नहीं होता क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का अच्छा होता है। इनफैक्ट यहाँ पे SSC वाले स्टूडेंट्स भी होंगे और अदर कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट्स भी होंगे जो लेखपाल की परीक्षा में बैठेंगे, तो उन सब का मैथ जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। और UP SSSC ने जो अपना सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में
संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये जनरल टॉपिक हैं, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हैं। तो मैं मानती हूँ कि आप इसमें आसानी से 23-24 स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैथ में 25 में से 25 मार्क्स लाएंगे। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो 25 में से 25 मार्क्स स्कोर करेंगे। तो हिंदी और मैथ ये दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप आसानी से 24 या 25 मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास की। तो ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हिंदी और मैथ्स ये दोनों सब्जेक्ट्स में हर कोई अच्छा स्कोर करने वाला है। तो आपको इन दो सब्जेक्ट से ही अपना सिलेक्शन पक्का करना है, आपको इन दो सब्जेक्ट से ही अच्छा स्कोर करना है, और बाकी के दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके सिलेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं। तो सामान्य ज्ञान की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस थोड़ा वाइड है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और रेशियो इसका भी उतना ही है 25 मार्क्स का। सामान्य ज्ञान में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हो सकता है इकोनॉमिक्स के भी एक दो क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएं। इसके साथ साथ आपको करंट पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि करंट से भी 4-5 क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी उम्मीद है। और यूपी स्पेशल, उस पर भी आपको फोकस करना होगा, क्योंकि मेंशन में साफ इन्होंने कहा है कि आपका जो ज्ञान है वो उत्तर प्रदेश के परीक्षेपी में पूछने की अपेक्षित है, इसलिए आपको यूपी स्पेशल पे फोकस करना है। यूपी की जनगणना और यूपी के उद्योग धंधे, यूपी की नदियाँ, इन सब चीज़ों को आपको कवर करना है। और इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों चीज़ों को तो आपको कवर करना ही करना है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है ग्राम समाज एवं विकास। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और आपने शायद इससे पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ा भी नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने वीडियो का एग्ज़ाम दिया है, तब शायद उन्होंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, लेकिन इससे पहले आपने और कहीं इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा होगा। तो ये एक न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए, पैट में भी आपने इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा था, तो आपको इस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और सेकंड थिंग, सामान्य ज्ञान जो है वो 25 मार्क्स का आना है, लेकिन उसमें आपको बहुत सारा सिलेबस करना पड़ेगा, जबकि ग्राम समाज जो है वो एक सब्जेक्ट को ही करने से आप 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम पढ़ के और 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अगर आप इस एक सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस एक सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और बाकी की हिंदी और मैथ्स इन दो सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो अगर आप जीएस में कहीं ना कहीं थोड़ा कम भी स्कोर करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए आपको जीएस आपको पहले से ही आती होगी, पैट में आपने ऑलरेडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें पढ़ रखी होंगी, तो आपने जितना पढ़ रखा है आप उसी को ही रिवाइज़ करिए। इसके अलावा आप ग्राम समाज पर ज़्यादा फोकस कीजिए, हिंदी मैथ्स इनको भी साथ में करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस सेट के थ्रू करते रहिए, लेकिन ग्राम समाज जो है वो एक अकेला सब्जेक्ट है, और अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं और साथ में हिंदी और मैथ कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कंपैरेटिव टू अगर आप जीएस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ग्राम समाज के लिए आपको पंचायती राज और केंद्र सरकार की योजनाएं, स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं और वहां के लोगों का जीवन बेहतर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के लिए बुक्स के बारे में। तो हिंदी आप चाहें तो आपको जो भी बुक पसंद हो उस बुक से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से जो बुक रिकमेंड करना चाहूँगी वो है ल्यूसेंट हिंदी। ये एक ऐसी बुक है जो जनरली हर किसी के पास मिल जाती है और आपने शायद पहले से भी इसे पढ़ रखा हो। इसमें आपका लेखपाल के अंदर जो भी आ रहा सब टॉपिक्स आ रहे हैं वो सारे कवर किए हैं और काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बुक और है सामान्य हिंदी की, ये आदित्य पब्लिकेशन की, ये भी काफ़ी अच्छी बुक्स है। आप अगर चाहें तो इस बुक से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप ल्यूसेंट पढ़िए और उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़िए, और इन दोनों को करने के बाद मुझे लगता है कि आपकी हिंदी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप आराम से 24 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए आप इन दोनों ही बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी फॉर्मूलाज और जो मेथड होते हैं उन पे कमांड्स होनी चाहिए, बाकी बुक इतनी मैटर नहीं करती कि आप किस बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप किसी भी बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो भी बुक आपको पसंद हो, लेकिन मैं अगर आपको अपनी तरफ से रिकमेंड करूं तो मैं आपको ये राकेश यादव की बुक रिकमेंड करना चाहूँगी। ये काफ़ी अच्छी बुक्स है और इसमें जो है टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है। आप अगर किसी और बुक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए गए हैं वो एक एक टॉपिक आप किसी भी बुक से कवर कर सकते हैं, आपका सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो तो बदल बदल कर ही आते हैं, आपको सिर्फ मेथड पता होना चाहिए, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चंस हो आप इजीली कर देंगे। और ये बुक मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि इसमें एसएससी लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, और अगर आप एसएससी लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप आराम से लेखपाल में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन्हें इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जीएस की। तो जीएस के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो है ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है। इसे अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो सफिशेंट है कि आप जीएस लगभग पूरी ही कवर कर लेंगे। इस बुक को करने के बाद लेखपाल के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है। सिर्फ आप इस एक बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए और आप आराम से जीएस कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ चूँकि यूपी का एग्ज़ाम है और ज़्यादातर देखा गया है कि यूपी के एग्ज़ाम में यूपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, और यूपी SSSC ने तो अपने सिलेबस में स्पेशली मेंशन भी कर रखा है, तो आपको यूपी स्पेशल पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप उत्तर प्रदेश की ये बुक पढ़ सकते हैं, परीक्षा वाणी की। ये काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में काफ़ी कुछ दिया गया है। आप उत्तर प्रदेश को की फिज़िकल नॉलेज और उसकी ज्योग्राफिकल नॉलेज, और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उद्योग धंधे हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इससे उत्तर प्रदेश को कवर कर सकते हैं। इसके बाद जीएस में जो चीज़ बचती है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर पर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि उससे 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल की डेली करंट अफेयर की वीडियो देखते रहिए, इसके साथ साथ जो यूपी स्पेशल वाली वीडियोस हैं हमारे चैनल की वो देखते रहिए, उससे आपका करंट अफेयर बहुत इजीली कवर हो जाएगा। कुछ टाइम बाद हम करंट अफेयर के लिए प्रैक्टिस सेट भी चला देंगे, तो आप वो देखिएगा, आपका करंट अफेयर आसानी से कवर हो जाएगा। 5-6 क्वेश्चन आने हैं तो उसके लिए इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है ग्राम समाज एवं विकास।
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस सब्जेक्ट पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो इसके लिए आप अगर बुक देखना चाहते हैं तो ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, आप इस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने ये बुक खुद से देखी है, इसमें चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छे से डिफाइन की गई हैं, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर आपको ग्राम समाज की डेली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जाएगी, उन्हें आप रेगुलरली देखिए और उनसे प्रैक्टिस कीजिए। इस बुक को पढ़िए और उन क्वेश्चंस को कीजिए, उसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ग्राम समाज बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बस आप हमारे चैनल पर जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे उसकी वीडियोस को डेली देखते रहिए और एक बार इस बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर आपको ग्राम समाज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक स्ट्रैटेजी जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और लेखपाल में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इन तीन सब्जेक्ट को हिंदी, मैथ और ग्राम समाज अच्छे से कर लेते हैं और जीएस में थोड़ा कम भी स्कोर करते हैं, तो मैं मानती हूँ कि आप 85 या 85 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है क्योंकि लेखपाल की अभी डेट भी नहीं आई है और आपके पास प्रॉपर टाइम है। आप थोड़ा थोड़ा टाइम इन सब्जेक्ट को दीजिएगा। हिंदी वगैरह आपने पहले से पढ़ भी रखी होंगी, और अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल की करंट अफेयर की वीडियोस देखिए और जो ग्राम समाज के लिए वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी वो देखिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आप आराम से 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आई विश कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके आएँ और अपना सिलेक्शन पक्का करें।